अगर आप पूर्वोत्तर भारत से हैं तो आप भारतीय तभी हो सकते हैं जब आप देश के लिए मेडल लेकर आए, नहीं तो लोग हमें चिंकी, चाइनीज, नेपाली और अब कोरोना नाम से बुलाते हैं। भारत सिर्फ जातीय भेदभाव से ही पीड़ित नहीं है बल्कि नस्लवाद से भी है। मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ, #hypocrisy। मॉडल और एक्टर मिलन सोमन की पत्नी अंकिता कोवर ने सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले ये पोस्ट लिखा। उन्होंने ये पोस्ट तब लिखा जब मणिपुर की मीराबाई चानू ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर उन्हें नीचा दिखाया गया है क्योंकि वो एक विशेष राज्य से आती हैं। दरअसल अंकिता कोवर पूर्वोत्तर राज्य के असम राज्य से आती हैं। उन्होंने लिखा कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों के साथ देश के कई अलग अलग राज्यों में नस्लीय हिंसा के साथ साथ नस्लीय भेदभाव भी होता है, लेकिन ये बहस तब तेज हो गई जब असम की लवलीना बोरगोहिन ने भारत के लिए ओलंपिक में एक बार फिर से मीराबाई चानू के बाद मेडल पक्का कर लिया है। आपको ये बताते चले कि मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहिन ही पहले या दूसरे लोग नहीं हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत की साख रखी हो। पूर्वोत्तर राज्य से ही आती हैं मैरी कॉम, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और भारत का नाम ऊंचा किया था। लेकिन अंकिता कोवर के इस पोस्ट के बाद एक बार फिर से बहस तेज हो गई है कि क्या वाकई में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तभी याद किया जाता है जब वो ओलंपिक से लेकर अलग अलग खेलों में देश के लिए मेडल जीते हैं। आपको बताते चले कि कोरोना का समय हो या फिर कोरोना से पहले वाला समय, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। आपको ये भी बताते चले कि अंकिता कोवर ने भी कई पोस्ट लिखे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें कई बार नीचा दिखाने की कोशिश सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो एक विशेष राज्य से आती हैं। विशेष राज्य से उनका मतलब ये था कि वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य से आती हैं। देश की सुप्रसिद्ध बॉक्सर मैरी कॉम, जो इस बार देश के लिए ओलंपिक नहीं ला पाई, लेकिन 2012 में लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम को ब्रॉन्ज पदक मिला था। मैरी कॉम को पद्म विभूषण मिल चुका है। यहां तक कि प्रियंका चोपड़ा ने भी मैरी कॉम की बायोपिक में काम किया है। लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ नस्लीय हिंसा है जो कि कम होने का नाम नहीं लेती, जिसका जिक्र अंकिता कोवर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया। अब आपको इस वीडियो के जरिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि वो कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जब देश पर डबल स्टैंडर्ड रखने का आरोप लगा है। कोरोना काल में हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और तमाम लोग लोगों की जान बचाने के लिए तत्पर रहे, लेकिन उसी दौरान कोरोना काल में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोरोना कहा गया। ताजा मामला है कोरोना काल का। आपको बताते चले कि हेल्थ वर्कर्स ने अपनी जी जान से तमाम लोगों की जान बचाने का काम किया, लेकिन इस दौरान भी कई लोग बाज नहीं आए नस्लीय टिप्पणी करने में। ताजा मामला पश्चिम बंगाल से आया था जब कुछ समय पहले 300 नर्सेज, जो कि मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों से बिलोंग करती थी, उन्होंने कलकत्ता के अलग अलग अस्पतालों में इस्तीफा दे दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोग उन पर नस्लीय टिप्पणी कर रहे थे। इसके अलावा दिल्ली में भी कोरोना काल में कुछ स्टूडेंट पर नस्लीय टिप्पणी की गई और उन्हें कोरोना वायरस कहा गया, जिसका जिक्र अंकिता कोवर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया है। उनका ये कहना है कि कोरोना काल से पहले हमें चिंकी के अलावा चाइनीज, नेपाली कहा जाता था, लेकिन कोरोना वायरस आने के बाद उन्हें कोरोना वायरस तक बोला गया। आपको बताते चलें कि 2019 में चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस फैला था, लेकिन उसके बाद नस्लीय टिप्पणी पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के साथ की गई। कोरोना काल के अलावा हाल ही में जुलाई के महीने में दिल्ली की स्टूडेंट्स के साथ तब नस्लीय टिप्पणी की घटना सामने आई जब वो रास्ते में खड़ी थी, रेस्टोरेंट से बाहर अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी और वहां पर किसी एक शख्स ने उनसे पूछा कि उनका रेट क्या है। आपको बताते चले कि इन्हीं स्टूडेंट ने शिकायत की थी कि उनसे एक पुलिस वाले ने ये कहा कि क्या आप डांसर हैं। हजार बार समझाने के बाद पुलिस वाले को ये समझ में आया कि वो स्टूडेंट थी, और इस तरीके की नस्लीय भेदभाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हर रोज फेस करनी पड़ती है देश के अलग अलग राज्यों में। अब ये सही मौका है जब हम सभी अपना डबल स्टैंडर्ड छोड़कर सबको एक साथ एक जैसा व्यवहार करें।